नमस्कार, मैं वेदिका और आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज। खबर सामने आई है महोबा से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। महोबा जिले के पॉलिटेक्निक ग्राउंड से पोलिंग पार्टियों की रवानगी सुबह से शुरू हो चुकी है। जिले की दोनों विधानसभा महोबा सदर और चरखारी में कुल 4,200 कर्मचारियों को तैनात किया गया है और एक पोलिंग पार्टियों में 4 सदस्य शामिल किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 50% मतदान स्थलों को CCTV कैमरे की निगरानी में रखा गया है। चरखारी विधानसभा में 296 मतदान केंद्र और 432 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जबकि महोबा विधानसभा में 196 मतदान केंद्र और 355 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 6,74,414 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आइए नजर डालते हैं महोबा जिलाधिकारी मनोज कुमार ने क्या कुछ कहा। 491 मतदान केंद्र, 787 पोलिंग बूथ हैं, सभी पर जो है पीठासीन सहित फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्मिक हैं और ये पोलिंग पार्टी सभी जो है अपना सामान प्राप्त कर चुकी हैं। आइए अब सुनते हैं पोलिंग कर्मी ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। जो EVM मशीन हमें दी गई है, बैलेट यूनिट दिया गया है, कंट्रोल यूनिट दिया गया है और जितने भी संवैधानिक असंवैधानिक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे हमको दिए गए। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें राष्ट्र हिंदी न्यूज़। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।